हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आई एम सुजीत कुमार। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। मेरे प्रियजनों, आज हम एक रात की प्रार्थना के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। उस महान जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो पिता हम सबको जीवित रखता है, संभाल के रखता है, सुरक्षित रखता है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखता है। मेरे प्रियजनों, उस परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है, क्योंकि वो महान है, वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की है, अनंत काल की है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, अनंत जीवन दिया है, ऐसा जीवन जो एक दिन का नहीं है, दो दिन का नहीं है, तीन दिन का नहीं है, हजार साल का नहीं है, 2000 साल का नहीं है, अनंत काल का जीवन मेरे प्रियजनों, जो कभी नाश नहीं होता है। धन्य हो आप, धन्य हैं हम जो परमेश्वर को हम सभी लोग जानते हैं। यीशु मसीह ने थोमा से कहा था, थोमा देख, धन्य तो वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने हम सभी को धन्य कहा है। हम सभी ने यीशु को नहीं देखा है, प्रभु ने हम सभी को धन्य कहा है। प्रभु हम सभी से प्यार करता है, एक आंख की पुतली की तरह संभाल के रखता है। मेरे प्रियजन, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में किले ठोकी गई, 39 कोड़े लगवाए गए, मुख पर थूका गया, कांटों का ताज उसके सिर पर रखा गया, सिरका पिलाया गया, भाला में, पसली में भाला भूका गया। इतना दर्द, इतनी पीड़ाएं सिर्फ यीशु मसीह ने हम सभी के लिए लिया, हम सभी के लिए सहा, क्योंकि जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, जो पाप की सजा हम सभी मानव जातियों को मिलने वाली थी संसार में, यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। आप क्यों चिंता करते हो? आप क्यों परेशान होते हो? आप कल की चिंता क्यों करते हो? कल की चिंता करने वाला हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है, कल की चिंता वो करता है। आप क्यों चिंता करते हो? आप क्यों चिंता करते हो? परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, आपकी चिंता करता है। आप क्यों परेशान होते हो? परमेश्वर आपकी चिंता करने वाला यहोवा जुलावर है, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। वो चिंता करने वाला परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग खोल देगा, हमारा परमेश्वर। यदि आप पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे प्राण मन से पिता से प्रेम करते हो, उसके पास आए हो, तो हमारा परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग छोड़ के आ जाएगा। आपकी प्रार्थना को मेरा परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। यीशु आपसे प्यार करते हैं, कि आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं, कि आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्रियजनों, यदि आप किसी भी बुरी हालत में क्यों ना हो, यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, यदि आप गरीबी से परेशान हैं, आप टूट चुके हैं, हार चुके हैं, अपने जीवन से, अपने हालात से टूट चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, यदि आप यीशु नासिर के पास आए हो, परमेश्वर के पास आए हो, तो हमारा परमेश्वर आपको सेम नहीं रखेगा, आपका बदलेगा, आपकी घराना, आपकी फैमिली बदलेगी यीशु नासिर के नाम में। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, परमेश्वर जानता है, आपको देगा। आपको विश्वास करना है, विश्वास के साथ बोलना है और परमेश्वर को पुकारना है, यीशु मसीह आपको देगा, आपको देगा। अपनी हार नहीं मानना है, उम्मीद को नहीं तोड़ना है। आपकी आस की करण आपका सहारा परमेश्वर है, आपको यीशु मसीह देगा। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, आपको आज़ाद करेगा, रिहा करेगा, कि यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं। मैं तेरा पिता हूँ, तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या जरूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं। परमेश्वर देगा। यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है, वो ऐसा प्यार है जो कभी ख़त्म नहीं होता, संसार वाला प्यार नहीं, आत्मिक प्यार, अनंत काल का जीवन पिता ने दिया है, प्यार किया है। आप क्यों परेशान होते हो, क्यों निराश हो? मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को लास्ट तक सुनना है, लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करना है आपको। यदि आप परेशान हैं, इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं, बीमार हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, परेशान हैं, हर किसी मुसीबत में क्यों ना हो, क्यों मुसीबत में ना हो, यदि आप यीशु नासिर के पास आए हो, तो आपकी मुसीबतें, आपकी बीमारियाँ, आपकी समस्याएँ आपको छोड़कर चली जाएंगी। इस प्रांत को आंख बंद करके सुनना है और लास्ट तक सुनना, ठीक है भैया? चलिए प्रांत को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हालेलुया, हालेलुया,
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर, जो आपने हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है मेरे पिता, इसके लिए पिता इस छुपा पाप का धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गएंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते मेरे पिता, जो आपने मेरे प्रभु हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, एक नया जीवन दिया है, अनंत काल का जीवन दिया है मेरे पिता, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु पापा आपकी महिमा करते, बड़ाई करते, जय जयकार करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं पिता, और लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव करें, आमीन बोल रहे हैं और रिसीव करें इस प्रार्थना को पिता। जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े हैं मेरे परमेश्वर, जो रो रहे हैं, जो चिल्ला रहे हैं मेरे परमेश्वर, जो अपनी गरीबी से जूझ चुके हैं, इलाज करवाते करवाते थक चुके हैं मेरे परमेश्वर, हारे हैं, मांदे हैं, बेचारे परेशान हैं मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा ये सबको छोड़ छाड़ के यीशु पापा आपके पीछे है, यीशु पापा आप इनको संभालिए, यीशु पापा आप पापा संभालिए इनको मेरे परमेश्वर, इनकी बीमारियाँ जाएँ, गिल्टियाँ रसोलियाँ पथरियाँ जाएँ मेरे परमेश्वर। और पिता मैं आपके नाम से घोषणा करता हूँ चंगाई की मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए, बंद कान खुल जाए, बंद आंखें खुल जाए, आत्मिक आंखें खुल जाए मेरे परमेश्वर पिता, इन्हें चंगाई दीजिए पवित्र आत्मा जी, चंगाई दीजिए, ये चंगे हो जाए और ये आजाद हो जाए, इनका घराना उद्धार पाए, ये उद्धार पाए, ये बदले, ये बचाए जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर उन बहनों के लिए परमेश्वर, जो बहनें थक चुकी हैं बच्चे की आशीष मांगते मांगते, बेटा मांगते मांगते, जिनकी कोखें बंद पड़ी हैं, जिनको कोखें बंद पड़ी हैं मेरे परमेश्वर, मैं घोषणा करता हूँ चंगाई की आज की रात सुनासर के नाम में, वे बंद कोखें खुल जाए, बंद कोखें खुल जाए, बच्चे की आशीष दीजिए, स्वर्ग से बच्चे की आशीष ट्रांसफर हो जाने के अंदर। और पिता इनके जीवन में बड़ी गवाहियों को बनाइए, ये गवाहियों को बनाइए, ये गवाही देने वाले बनने पाए, ये गवाही दें यीशु नासरी के नाम में कि यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे बच्चे की आशीष दिया है, यीशु ने मुझे ठीक किया है मेरे पिता, उनके जीवन में गवाहियाँ बनाइए पवित्र आत्मा से। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो गरीब है, जो लाचार है, जो परेशान है मेरे परमेश्वर, जो कमाने रहे नहीं पिता, जो 100-200 रुपये पर पिता, 1000 रुपये पर उधार ले रहे पिता, सहायता मांग रहे मेरे पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, आप इनकी गरीबी तंगी परेशानी दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, इनकी तंगी परेशानी गरीबी दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे मेरे पिता। मैं मांगता हूँ, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी तंगी परेशानी दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम में, दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम में। यीशु पापा ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे परमेश्वर आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए, आप इनका जीवन संभालिए मेरे परमेश्वर, ये मांगने वाले नहीं मेरे परमेश्वर, इनके हाथ देने वाले हो जाएं यीशु नासरी के नाम में, इनके हाथ देने वाले हो जाएं, इनके हाथ देने वाले हो जाएं यीशु नासरी के नाम में, यीशु पापा इनके हाथ देने वाले बनाइए मेरे परमेश्वर, ये बहुत तेरी जातियों को उद्धार देने बन जाएं यीशु नासरी के नाम में मेरे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जिन घर में लड़ा झगड़ा होता, पति पत्नी के बीच में लड़ा झगड़ा होता नहीं बनती है, डाय फूटे बिधर में मेरे परमेश्वर, जो दुष्ट आत्मा जादू टोनों के बंधन, काला जादू के, ब्लैक मैजिक के बंधन के घर में अटैक कर रहे हैं, हर एक जन के ऊपर अटैक करते, मैं जला के राख करता, मैं भस्म करता मेरे परमेश्वर, और ये रिहा हो जाए, आजाद हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए, लाइफ स्टाइल बदल जाए यीशु नासरी के नाम में मेरे परमेश्वर, और ये आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर, और ये रिहा हो जाए, ये आजाद हो जाए पवित्र आत्मा यीशु नासरी के नाम में, चंगाई उंडेल मेरे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से भली वस्तुएं दे दे मेरे परमेश्वर, अपने स्वर्गीय भंडार से भली वस्तुओं को रिलीज कर दे स्वर्ग से मेरे परमेश्वर, ये आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर, जो आपसे सहायता मांग रहे हैं परमेश्वर के विश्वास के साथ पुकारते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया करें, मुझ पर दया करें मेरे परमेश्वर, आप दया करने वाले परमेश्वर, आप दया कर दीजिए पिता, आप इनके ऊपर दाहिना हाथ बढ़ा के, अपने स्वर्गीय दाहिने हाथ से बढ़ाकर इन्हें संभाले रहे मेरे परमेश्वर, और पिता स्वर्ग से आशीष से खुल जाए, बंद आशीष से खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए, ओपन द डोर, ओपन द डोर मेरे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए मेरे परमेश्वर, रिहा हो जाए सुनासरी
मसीह के नाम में। मेरे पिता में प्रार्थना करता हूँ भाई बहनों के लिए, मेरे परमेश्वर, जो मसीह में रात में नहीं सो पाते हैं, जो जिन्हें गंदे सपने आते हैं, जो शैतान अटैक करता, डराता है, धमकाता, मेरे परमेश्वर आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाई ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भय से न डरना। मेरे पिता, मुझे आशा है, विश्वास है, आपने प्रार्थना को सुना है। ये छोटी सी विनती उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन।